बहुत तलब है आज मुस्कुराने की पर हालात इजाजत नहीं देते। बहुत तलब है आज मुस्कुराने की पर हालात इजाजत नहीं देते। पर सबर से मुस्कुराऊंगा एक दिन जब हालात होंगे मेरे मुताबिक। पर सबर से मुस्कुराऊंगा एक दिन जब हालात होंगे मेरे मुताबिक। ऐ मुस्कुराहट मेरा इंतजार करना, मैं मुस्कुराने आऊंगा वापस एक दिन। एक होता है कि आपको ना लाइफ में बड़ा अफसोस होता है कि यार चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में रहो या किसी के भी पार्टनर बनो, कि यार भागीदार बन के कुछ नहीं मिला। जब आपको ये थॉट आता था, ऐसा थॉट मेरे को भी आया था, तो उसको मैंने लिखा है कि भागीदार बन के कुछ ना मिला, अब खुद का किरदार बनना है। भागीदार बन के कुछ ना मिला, अब खुद का किरदार बनना है, और बनना है कुछ ऐसा कि अपना खुद का हिस्सेदार बनना है। कि भागीदार बन के कुछ ना मिला, अब खुद का किरदार बनना है, और बनना है कुछ ऐसा कि खुद का हिस्सेदार बनना है। और जो बदले हैं समय देख के मेरा, उनका साहूकार बनना है। एक ऐसा लिखा था कि होता है ना कि ये टीनेज में होता है कॉलेज लव लाइफ में कि आप नाराज हो जाते हो अपनी मोहब्बत से, तो कहते हो मुझे नहीं मिलना तुमसे, या आप लॉन्ग डिस्टेंस में आते कि तुम आओगे तब भी नहीं मिलूंगा मैं, एक हो जाता है लड़ाई होती है। तो उसमें मैंने ऐसे लिखा था कि तुम आओ तो मेरे शहर मैं धुआं बन जाऊंगा, तुम आओ तो मेरे शहर मैं धुआं बन जाऊंगा, और तुम तलाशोगे मुझे जैसे इस गर्मी में पानी की तलाश हो, मैं वैसे ही सूखा कुआं बन जाऊंगा। तुम आओ तो मेरे शहर मैं धुआं बन जाऊंगा, और तुम तलाशोगे मुझे जैसे इस गर्मी में पानी की तलाश हो, मैं वैसे ही सूखा कुआं बन जाऊंगा। और तुम ढूंढते रहोगे मुझे दर बदर, मैं सिर पे बादल की तरह मंडराऊंगा, तुम आओ तो मेरे शहर मैं धुआं बन जाऊंगा। जो भी मेरी कलम ने लिखा वो मैंने महफिल में सुना दिया, और जो बच गया उसे मिलाया जाम में और गले से नीचे उतार लिया। उस बच्चे को क्या पता कितनी जालिम है ये दुनिया, उसकी मासूमियत तो देखो जो मस्जिद को भी साईं मंदिर समझ बैठा। कि आवाज तो आज भी देता हूँ पर लफ्जों से देनी बंद कर दी है, और मोहब्बत होगी अगर वो मेरी तो इन लबों को चूमने जरूर जाएगी। एक ऐसा है, पहले मैं माफी मांग लेता हूँ कि मोहतरमाएं बैठी हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे, बट ये मतलब आखिरी जो इसका लाइन है ना उससे आप संतुष्ट करोगे, बल्कि पहली लाइन के लिए मैं माफी मांग लेता हूँ कि ऐसा है कि मत करो गुरूर इतना अपने हुसन पे तुम। चंद शायरियों में गुरूर उतार दूंगा। शुक्रिया कि मत करो गुरूर इतना तुम अपने हुसन पे, चंद शायरियों में गुरूर उतार दूंगा। और गुरूर है किस बात का तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छुएंगे, हाथ धोएंगे छूने के बाद। कि खुद को भी इतना मत संभाला करो कि बारिश का मौसम में कभी कभी भीग जाया करो। कि मेरे महबूब देखो कितने करीब हैं हम, फिर भी ना जाने कितने दूर हैं हम। मेरे महबूब देखो कितने करीब हैं हम, फिर भी ना जाने कितने दूर हैं हम। मैं कश्मीरी गेट पे उलझाऊं और तुम राजी चौक पे हो कहीं गुम। कभी मिलना तुम अकेले में तो तुम्हारी रूह भी निचोड़ दूंगा। फिर पूछूंगा उससे कि बता तू किसकी है, मेरी है या इसकी है। एक ऐसा है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, तो मतलब जो कहो मुंह पे कहो, पीछे नहीं हूँ। तो अपनी आदतें भी बुरी हैं, तो मैं अपनी आदतों का बता रहा हूँ मेरी आदतें कैसी हैं। कि बहुत बुरी आदतें हैं मेरी सहलोगी क्या, सच्चाई सादगी वफा ये उनमें से एक है, बताओ निभालोगी क्या। एक ये ना थोड़ा फनी सा है, मतलब लोग कहते हैं ना, जैसे मुझे भी कहा था तो मैंने लिखा कि भाई तेरा कट गया है तो तू लिख रहा है, इतना दर्द है। तो मैं हाँ इन चार लाइनों में बताना चाहता हूँ कि कटता किसी का नहीं है, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, मतलब मेरा तो नहीं कट सकता, मतलब ऐसा होता है ना। तो मैंने ऐसे लिखा है कि ना हमारा कटा है और ना कट सकेगा, ना हमारा कटा है
और ना कट सकेगा, अबे हमने मोहब्बत की है कोई पतंगों के पेच थोड़े रहे जो हमारा पेच कटेगा। एक होता है ना कि सबने, जितने भाई ने पढ़ा सबने पढ़ा, सबने मैक्सिमम अपनी मोहब्बत को पन्ने पे उतारते जो उन्होंने फील करा है अपनी लव लाइफ में। तो मोहब्बत ये नहीं कि एक अपने पार्टनर से, माँ से, कहीं भी, मतलब मैक्सिमम ना प्यार लिखने की कोशिश करते हैं, उस दर्द को लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसको कुछ ऐसा लिखा है कि इस कलम के इशारे पे, जिस कलम से हम लिखते हैं ना, कि इस कलम के इशारे से जब चाहे नचा दूंगा तुम्हें, इस कलम के इशारे से जब चाहे नचा दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैंने ही लिखा है, तुम्हें मैंने ही लिखा है, ज्यादा जुबान जोरी मत करना, जब चाहे मिटा दूंगा तुम्हें। और थोड़ा ना समाज पे भी लिखता हूँ मैं। मैंने ये इंसिडेंट ना देखा था, तो मतलब देखा होता है कि मतलब थोड़ा रियल में नहीं देखा था, बट एक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो देखी थी, तब मैंने लिखा था कि बांध के साड़ी कुछ इस तरह वो चली, बांध के साड़ी कुछ इस तरह वो चली कि उसे पता नहीं था कितनी जालिम है दुनिया, कि बांध के साड़ी कुछ इस तरह वो चली कि उसे पता नहीं था कितनी जालिम है दुनिया, कि दो चार कदम चलते ही उसकी साड़ी खुली। तो उसने देखा घबरा के जरा इधर और जरा उधर, तो उसने देखा घबरा के जरा इधर और जरा उधर, तो पता चला एक जालिम की निगाहों का ये जोर था। पर एक ऐसा है कि मतलब ये किसी के लिए, वो देखेगा वीडियो तो समझ जाएगा। हाँ, कि जहर लगाए शब्दों में मेरे तुम पढ़ मत लेना, जहर लगाए शब्दों में मेरे तुम पढ़ मत लेना, और पढ़ रहे हो तो पहले मेरे आंसू से धो लेना। और एक मैंने अपने नाम पे लिखी थी, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, कि आशीष तुम तुम्हारे नाम जैसे हो, आशीष तुम तुम्हारे नाम जैसे हो, कुछ के लिए खास तो कुछ के लिए जान जैसे हो, आशीष तुम तुम्हारे नाम जैसे हो, कुछ के लिए खास तो कुछ के लिए जान जैसे हो। और सॉरी यार, मैं लिटरली भूल गया। हाँ, कि आशीष तुम तुम्हारे नाम जैसे हो, कुछ के लिए खास तो कुछ के लिए जान जैसे हो, और हाँ कभी भटक मत जाना अपने नाम के मतलब से, और हाँ कभी भटक मत जाना अपने नाम के मतलब से, तुम अब भी बहुतों के लिए अरमान जैसे हो। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका।